माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सबसे पहले तो भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। देखिए रेसलमेनिया 40 का पॉडकास्ट होने वाला आज हमारा ही है, तो इसलिए कह रहा हूँ जुड़े रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, बिकॉज अगर पूरी वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया गया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले पाएंगे जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। देखिए रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं, रेसलमेनिया 40 को 2 महीने रह गए हैं और आई थिंक अब कहीं ना कहीं प्लान्स क्लियर हो चुके हैं कि रेसलमेनिया 1 रेसलमेनिया 2 यानी कि नाइट 1 और नाइट 2 का मेन इवेंट में क्या होने वाला है क्लियर बताने वाला हूँ आपको, बिकॉज सबको पता है नाइट 1 का मेन इवेंट जो कि दिख रहा है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब देखिए ये मैच बदल चुका है और रेसलमेनिया की कॉफ जो कि WWE कंपनी की अगला पड़ाव होने वाला है, जो कि इंडिया में अगर आपको देखना है तो आप YouTube चैनल होता है WWE कंपनी का, वहाँ पर ही लाइव होगा। जिस तरह से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसे इनका YouTube चैनल जो है आई थिंक आपको वेट करना पड़ेगा, लगभग लगा लीजिए आप थर्सडे को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि आज रात, आज थर्सडे है हमारे यहाँ पे, और हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली है दोस्तों वो कल सुबह देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, बिकॉज ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में रोमन रिंग्स प्लेन से उतर रहा है और ये दिखा रहा है कि ये मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, सो दिस इज़ वन अ थिंग। इसके बाद ये आप रॉक को भी देख सकते हैं और ये प्लेन से उतर रहा है, सो कहीं ना कहीं ये तैयारी कर चुके हैं रेसलमेनिया किक ऑफ जो कि इनका पैनल होने वाला है, और कहीं ना कहीं ट्रिपल एच की वही कोशिश है कि रेसलमेनिया के इवेंट से पहले एक हाइप बनाई जाए। और इस इवेंट में जो कि रेसलमेनिया का किक ऑफ है जो कि लाइव होने वाला है कल सुबह, आप देख सकते हैं इसको यूट्यूब चैनल पर, इनके बाद भी देख लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस किक ऑफ के माध्यम से ट्रिपल एच हाइप बनाएगा रेसलमेनिया की, और यहाँ पर उसने ये कहा है कि फैंस कोई भी फैन आ सकता है, फ्री ऑफ फैंस है, मतलब WWE कंपनी आमतौर पर अपने ही बंदे बुलाती है इनके पैनल पर, लेकिन ये मीडिया कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है यहाँ पर कोई भी मीडिया का बंदा आ सकता है, फ्री ऑफ फैंस आ सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि कोडी रोड्स का वी वांट कोडी होने वाला है और रोक का बू मिलने वाली है, क्लियर कर रहा हूँ। वैसे भी रोक ने साफ कह दिया मेरे को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो समझ सकते हो कि आप इतनी बड़ी बात बोलना तो रोक को पता है। अब दोस्तों बात करें कि रेसलमेनिया में व्हाट हैपनिंग, यार देखिए रेसलमेनिया इज अ ग्रैंडेस्ट स्टेज देम ऑफ ऑल, ये आपको पता है, और लगभग 40 साल हो गए रेसलमेनिया को और ये रेसलमेनिया अपने आप में ही खास है। वैसे तो हर रेसलमेनिया जब आती है वो अपने आप में ही एक इवेंट बन जाता है, एक हाइप बन जाती है, ये तो हम कहते हैं कि रेसलमेनिया वो अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ऐसे कंबाइन करूं कि लास्ट 10 ईयर्स यानी कि 10-15 सालों 2010 के बाद से बात करूँगा, विच रेसलमेनिया इज़ अ बिगेस्ट, विच रेसलमेनिया इज़ अ मोस्ट वॉच, और वो कौन सी रेसलमेनिया थी जिसको रियलिटी में अभी भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, कहीं आपको अगर मिल जाए वैसे इनके पीकॉक पर ही मिलेगी WWE कंपनी के, बट वो कौन सी रेसलमेनिया थी जो कि इन माय पर्सनल ओपिनियन एज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग पर्सनल ओपिनियन बेस्ट थी। सो सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस रेसलमेनिया की हाइप एक नेक्स्ट लेवल पर थी, जिस रेसलमेनिया की हाइप एक ऐसी हाइप थी आपका दिमाग हिला देगी वो हाइप, और आई थिंक वो रेसलमेनिया नंबर 1 पर मैं रखूँगा रेसलमेनिया 31 को। जी हाँ, अब आप कहेंगे भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए रेसलमेनिया 31 हुई थी लेवा स्टेडियम सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और वो रेसलमेनिया को मैं खास इसलिए मानता हूँ बिकॉज वहाँ पर फर्स्ट एवर मैच हुआ था द अंडरटेकर वर्सेस ब्रे वायट, बिकॉज अंडरटेकर का रेसलमेनिया 30 में हारना, उसके बाद एक साल तक वो स्टोरीलाइन को बिल्ड करना, फैंस देखना चाहते थे अंडरटेकर क्या करता आगे, वो एक्साइटमेंट वो देखने का मजा ही लगता। उसके बाद स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच वो आइकॉनिक मैच, ओ भाई साहब उसके तो एक अलग ही लेवल पर हाइप थी। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रिंग्स फॉर द मेन इवेंट अनदर लेवल, जॉन सिना वर्सेस रूसेव, रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये वो मैचेस थे जो कि लिटरेरी रेसलमेनिया 31 को बिगेस्ट रेसलमेनिया बना दिया था, और उस रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग की बात करें इज वन ऑफ द माई फेवरेट्स मनी इन द पावर, अमेजिंग। आप रेसलमेनिया 31 को सर्च करिए और आप देखिए क्यों वो बेस्ट रेसलमेनिया कहा जाता है, बिकॉज वही ऐसी रेसलमेनिया थी जहाँ पर एक स्टार को बनाया गया था, सेथ रॉलिंस को बनाया गया था, और एक मनी हाइस्ट देखने को मिला था हमें उसके मेन इवेंट में, अमेजिंग। उसके बाद जो बेस्ट रेसलमेनिया थी इन माय ओपिनियन वो थी रेसलमेनिया 30, जी हाँ ट्रिपल एक्स, वो रेसलमेनिया एक ऐसी रेसलमेनिया थी भाई साहब क्या बताऊँ, डैनियल ब्रायन के यस मोमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यस मोमेंट आई हैव एवर सीन,
जी हाँ, डैनियल बेन की यस मोमेंट और कोडी रोड्स का एक तरह से वाओ, उसके बारे में बात करने वाला हूँ आगे, इसलिए कह रहा हूँ जुड़े रहिए। वो एक अमेजिंग चीज़ थी भाई रेसलमेनिया की। आप रेसलमेनिया 30 को एक ही नाम से जानोगे, यस मोमेंट डैनियल बेन। वो बटिस्टा का आना, रैंडी ऑर्टन का ट्रिपल थ्रेट मैच, डैनियल बेन का ट्रिपल एच को हराना, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग और मोस्ट शॉकिंग मोमेंट अंडरटेकर की स्ट्रीक एंड वहीं हुई थी। सो समझ सकते हो आप, इज अमेजिंग द बिगेस्ट थिंग। और आई थिंक ये दो रेसलमेनिया ऐसी रेसलमेनिया थी, इसके बाद मुझे नहीं लगा कोई रेसलमेनिया एक रेसलमेनिया है मतलब कि एक बढ़िया हाइप पे है। बिकॉज इसके बाद अगर रेसलमेनिया की बात करूँ, जो कि लास्ट रेसलमेनिया इन माय ओपिनियन मोस्ट हाइप थी, वो थी रेसलमेनिया 33। अब ये रेसलमेनिया इतनी हाइप क्यों थी? नंबर वन, हमेशा रेसलमेनिया के थीम सॉन्ग बनाए जाते हैं और उस रेसलमेनिया का थीम सॉन्ग पिटबुल ने बनाया था, इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अमेजिंग रेसलमेनिया थी, ग्रीन लाइट उसका सॉन्ग का नाम था। रेसलमेनिया 33 की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम ऑरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर हुई थी 2017 में। और भाई साहब स्टेज आप देख लो रेसलमेनिया 33 का, रेसलमेनिया के स्टेज के लिए रेसलमेनिया को पॉपुलर कहा जाता है। और रेसलमेनिया के स्टेज, रेसलमेनिया 33 वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज, वो काफ़ी लंबा स्टेज था, उसके जितना स्टेडियम, उसके जितना स्टेज मैंने आज तक रेसलमेनिया में नहीं देखा। दैट्स इट। इवन लास्ट ईयर भी रेसलमेनिया एलए के अंदर हुई थी और आप कहेंगे कि भाई स्टेडियम उसका भी स्टेज अच्छा था, भाई मेरे को पर्सनली वो एक हॉलीवुड स्टाइल का स्टेज था, मुझे सही को पसंद नहीं आया। दैट्स इट। सो रेसलमेनिया की लाइटिंग भी बहुत अहम करी जाती है, बिकॉज हम देखें रेसलमेनिया की लाइटिंग काफ़ी अहम होती है। सो कभी नीली, कभी लाल, कभी पीली, ऐसी होती है। इस बार नीली होगी बिकॉज एक लोगो सा ग्रीनिश टाइप है, तो हो सकता है। उसके बाद करें रेसलमेनिया, ये तीन रेसलमेनिया थी 31, 30, 33। एंड उसके बाद से जितनी भी रेसलमेनिया हुई है, मैं सही बताऊँ तो किसी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज वो लेजेंड जो जिनको हम देखते थे वो है ही नहीं, सही बताऊँ तो कोई, सही कहूँ। और अब बात करें रेसलमेनिया आगे की फ्यूचर, तो भाई साहब वो समझ सकते हो कि नई जनरेशन है, नई फ्यूचर प्लान है। अब बात करें रेसलमेनिया 40 की, देखिए दोस्तों रेसलमेनिया 40 की मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब दोस्तों बात ये है कि भाई साहब रेसलमेनिया 40 खास क्यों है? यार देखिए रेसलमेनिया 40 खास इसलिए है बिकॉज यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ होने वाली थी, फिनिश द स्टोरी। बिकॉज सबको पता था फिलाडेल्फिया वो स्टेज होने वाली है जहाँ पर कोडी रोड्स फाइनली अपना ड्रीम को पूरा करने वाला है। फिलाडेल्फिया ही वो रेसलमेनिया प्रेजेंट करने वाला है जो कोडी रोड्स की स्टोरी को फिनिश करेगा और उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को बोल के ना थक चुका हूँ अब, क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती है हर रोज़ यार। लेकिन भाई साहब एक ही चीज़ को बार बार बोलना, फिनिश द स्टोरी, और ये ट्रिपल एच ने पूरा घुमा कर रख दिया सिनेरियो। लेकिन ये फाइनली है, अपने दिमाग से उतार जाइए, जितने भी हैशटैग लगा लीजिए लगा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रेसलमेनिया के प्लान सेट हो चुके हैं और किक ऑफ में आपको पता चली जाना है कि रेसलमेनिया में क्या होने वाला, कल का वेट कर लीजिए बस, अनाउंस हो जाएगा। बिकॉज अगर इस मंडे नाइट रॉ में आपने देखा कि कोडी रोड्स ने अनाउंस नहीं किया कि वो रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को फेस करेगा, जस्ट अ ग्लिच, ये कोई ईस्टर एग ड्रॉप नहीं किया उसने, बिकॉज कल जो है रेसलमेनिया के किक ऑफ में होने वाला और वहाँ पर सब कुछ होने वाला है। दैट्स इट। अब दोस्तों बात करें कि भाई साहब हुआ क्या है। भाई साहब यार देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है रेसलमेनिया, अपने आप में एक खास इवेंट माना जाता है। बट पर्सनली कुछ सालों से रेसलमेनिया की हाइप बनाई नहीं जा रही, बिकॉज सही कहूँ तो वो बड़ा कुछ है नहीं। ब्रॉक लेसनर नहीं है, सीएम पंक नहीं है, जिस वजह से कोडी रोड्स के प्लान चेंज करे गए, रॉक को ना बुलाया गया। अब रॉक और रोमन रिंग्स क्लियर कट होने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या मेरी प्रेडिक्शन जो मैंने कर रखी है इस मैच के बारे में, ये रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट है, नाइट 2 का ही मेन इवेंट होता है वैसे तो, क्योंकि नाइट 1 का मेन इवेंट मैं मानता नहीं इसे कुछ भी। रेसलमेनिया का मेन इवेंट जो असली मेन इवेंट होता है वो नाइट 2 का ही होता है, जो नाइट को क्लोज करता है, वो रोमन और रॉक का होने वाला है। सो ये है, देखिए रोमन रॉक का मेन इवेंट होने वाला है। अब ये मैच क्या है, देख दोस्तों देखिए मैच बेकार होने वाला है भाई साहब, मैं जितना भी कुछ बोल लूँ ये मैच बहुत वाहियात होगा। और रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट के बाद आप मेरे पास ही आओगे कि कल्ट ऑफ रेसलिंग यू आर राइट मैन, कल्ट यू आर राइट, क्योंकि मैं जो कहता हूँ ना मैं फैक्ट के हिसाब से कहता हूँ। मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कब से फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं इनके तौर तरीके सब जानता हूँ भाई, मैं इनके बिजनेस को जानता हूँ, ये किस तरह से बिजनेस को हैंडल करते हैं और किस तरह से चीज़ें को क्रिएट करते हैं। और ट्रिपल एच की जितनी भी थिंकिंग हो कि वो रेसलमेनिया 40 को ह्यूज बनाना चाहता है, बिकॉज अगर बात करें हम कोडी रोड्स की, तो रेसलमेनिया 30 में जिस मोमेंट हुई थी मैंने बात की थी, सेम वो रेसलमेनिया 40 को बनाना चाहता है। अब देखिए इसमें स्पॉयलर्स क्या हैं, रेसलमेनिया 30 हुई थी, अब 40 है, 10 साल का गैप, 0-0। रेसलमेनिया 30 वो एक आखिरी रेसलमेनिया थी जब रोमन रंबल यूज़ किए गए थे ट्रिपल एक्स, और अब इस बार एक्सल होने वाला है। और वहाँ पर एक बंदा था डैनियल ब्रायन जो कि बेबी फेस था, इस बार है कोडी रोड्स जो कि बेबी फेस है। उस वक्त डेव बटिस्टा का रिटर्न हुआ था, रोयल रंबल जीता था,
इस बार रॉयल रंबल कोडी रोड्स जीता है, लेकिन यहाँ पर द रॉक है डेव बटिस्टा की जगह। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एच जो ट्रिपल थ्रेट के मैच उम्मीदें हैं रेसलमेनिया में वो हो भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता बिकॉज सेथ रॉलिंस एक बड़ा कंटेंडर है और उसके लिए भी कोई बड़ा अपोनेंट चाहिए। वो सेथ रॉलिंस से बढ़िया कोई हो नहीं सकता, सॉरी कोडी रोड्स से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। तो ट्रिपल एस ने ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं, अब वो कुछ भी बोलता रहे कि मैंने ये रेसलमेनिया से पहले ही मतलब रॉयल रंबल से पहले ही प्लान बना चुके थे, सीएम पंक की इंजरी फेक है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो टाइम के साथ चलने वाली बात होती है। ट्रिपल एस को पता है कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, जो बैकलैश रॉक को झेलना पड़ रहा है, रॉक के फैन अब उसी के टर्न कर गए हैं, रॉक और रोमन इसको देखना नहीं चाहता, अब तो फिलहाल कोई नहीं देखना चाहता। और कल आपको पता चल ही जाना है कि मीडिया में क्या होने वाला है, इनको बू मिलने वाली है और ये मैच को फैंस हाईजैक कर लेंगे, क्योंकि ये मैच 2-3 मिनट ही चलेगा। रॉक रेसल नहीं कर सकता भाई, रॉक रेसल नहीं कर सकता, अभी भी कह रहा हूँ, रॉक के फैन हो आप, अबे वो रेसल नहीं कर सकता, रॉक नेवर रेसल। और रोमन रिस्क के अगेंस्ट वैसे ही रसल नहीं कर सकता, 2 या 3 मिनट लड़ लेगा वो, भाई डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रसल मीना के मेन इवेंट की धज्जियां उड़ा दिया इन्होंने, सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स का करा दो मेन इवेंट, वो सही है भाई, एक बढ़िया मैच डिलीवर्ड होगा, वो कमाल का मैच होगा। इनके जो लास्ट 3 मैचेस हुए हैं ना कोडी और सेथ के, उनसे बढ़िया मैचेस डिलीवर्ड करेगा इस बार चौथा मैच इनका। रोमन रॉक का मैच डिलीवर नहीं कर पाएगा, बू हो जाएगी इस मैच में। गोल्डबर्ग वर्सेस टेकर याद है उस मैच की हालत, उससे भी बदतर हालत होगी इस मैच की। तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट, रॉक के फैन खुश ना होइए भाई, मैच नहीं अच्छा होने वाला। ये पॉडकास्ट यही खत्म करूंगा, मिलता हूँ आपसे कल। जय भगवान राम, जय माता दी।